अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि होंडा सिविक के जो विंडोज़ हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और जब वो गीले हो जाते हैं या बारिश वगैरह में और ज़्यादा स्लो हो जाती है। लास्ट टाइम मैं इस गाड़ी को पीस नाश्ते लेके गया था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है, तो वहाँ पर स्नो फॉलिंग के दौरान ये बिल्कुल स्टक हो गया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन था वो बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक से मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उनका ये कहना था कि जो पूरा पैनल है ये ओपन होगा और इसकी हम अंदर से सर्विस करेंगे। तो एक्चुअली इतने लंबा काम कराने से अच्छा कि इंसान एक दफ़ा ट्राई कर ले। तो मैंने आज बेसिकली इसकी जो रबर्स हैं इनको क्लीन करूंगा और फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है इस सब से, इसकी सर्विस करने से, इसकी सफाई करने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो ओपनिंग है उसका टाइम नोट कर लेते हैं इस हालत में, डर्टी हालत में, और उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करने के बाद देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई सा भी स्प्रे ले लेना और इन जो रबर्स हैं इनके अंदर आपने इनको स्प्रे कर लेना है जैसे कि अभी हम करते हैं। और स्प्रे करने के बाद आपने कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और कुछ किसी कपड़े के अंदर उसके बाद उसे रख के आपने जो इसकी रबर्स हैं उनको अंदर से क्लीन कर लेना है। तो ड्राई होने के बाद हम इसमें WD-40 का स्प्रे करेंगे जो ये रबर्स हैं इनके अंदर, लेकिन आपने पहले मेक श्योर करना है कि आपकी जो रबर्स हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो गई हों। तो अब हम इन्हें WD-40 का स्प्रे करने के बाद हम इसे चेक करते हैं ऊपर करके कि इसकी जो पुरानी जो पहले जितने सेकंड में ऊपर हुआ था क्लोज हुआ था और अब इसकी क्लोजिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ है पहले की नस्बत मेरे ख्याल से। और अब इसे हम इसकी जो ओपनिंग है उसे भी देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल से, और इसे जब ओपन करके इसे सर्विस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये एक यूनिवर्सल वे है, आप कोई भी आपके पास अगर गाड़ी हो आप उसमें इसी तरह सिंपली इसकी सर्विस करके WD-40 कोई भी ऐसा स्प्रे करके आप इसको इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या आप इसे फर्स्ट एड के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आप इधर में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।